हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं सत्तू के पराठे बनाने जा रही हूँ। सत्तू के पराठे बनाने के लिए देखिए सत्तू बना बनाया मार्केट से पैकेट ले आए हैं, और उसके लिए मैंने प्याज चॉप करके रखा है, हरी धनिया, थोड़ा सा लहसुन, हरे मिर्चे सब काट करके रखा है, और नमक। तो इन सब सत्तू को पहले मैं सानूंगी। सत्तू में स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी मिर्च, अदरक, ये लहसुन अदरक सब जो चॉप करा रखा है ये डाल देंगे, और प्याज और हरी धनिया सब डाल करके आटे को अच्छे से भून देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को भूनेंगे। बहुत मुलायम आटा नहीं भूनेंगे, क्योंकि इसको आटे के अंदर भर करके तब बनाएंगे। अभी उस आटे को मैंने प्लेन आटा साना है, हल्का सा नमक डाल करके आटे में, और वो आटे में इसको भर के रखेंगे। देखिए ये नमक डाल करके आटा सान लिया है प्लेन, और इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। काट करके और आटे में देखिए पेड़ा काटा, और इस तरह से गोल गोल सत्तू इसमें भर लिया, और इसको अच्छे से सत्तू ये भर लिया, और इसको अच्छे से ऐसे भर करके और पराठे को बेल लिया। देखिए पराठा हमने बेल लिया, और इसको तवे पे डाल दिया है, और इसमें घी लगा करके इसको अच्छे से दबा करके पराठे को सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा सिकने लगेगा। ये सत्तू का पराठा आजकल खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, सत्तू फायदा करता है। आप सत्तू के वो शरबत भी बना सकते हैं, सत्तू सुबह खा वैसे भी नाश्ते में खा सकते हैं, और पराठे बना करके भी खा सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू का भरता, किसी भी चीज के साथ आप इस पराठे को खा सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया पराठा सिक रहा है हमारा। देखिए पराठा हमारा सिक करके तैयार हो गया है, और आज हमने बैंगन का भरता बनाया, उसी के साथ इस पराठे को खाएंगे। आप भी एक बार इस तरह से पराठा बना करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया, और मैंने सर्व कर दिया। ये हमारा बैंगन का भरता है, और ये पराठा। बैंगन का भरता तो मैंने आपको पहले भी इसका लिंक दे चुके हैं, बना करके दिखा भी चुके हैं, और आपका चार है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी।